नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि एक प्लॉट है जो कि 6 कट्ठा का प्लॉट है और उसमें 3 आदमी 2-2 कट्ठा का प्लॉट खरीदे हैं। मतलब कि मैंने 2 कट्ठा खरीदा है और मेरे अलावे 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिसने 2-2 कट्ठा का प्लॉट खरीदा है, तो कुल मिला के वो जो प्लॉट है 6 कट्ठा का प्लॉट है। तो ऐसी परिस्थिति में दाखिल खारिज कराने के लिए जा रहे हैं तो कर्मचारी का कहना है कि पुराना लगान रसीद पेश करें। तो दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे तो दोस्तों जानते हैं। जो अनिश तेलापंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लाता रहता हूं। चलिए एक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों अगर इस तरह की बात है कि एक प्लॉट है और वह 6 कट्ठा का प्लॉट, आपने 2 कट्ठा लिया है और उसके अलावे 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिसने 2-2 कट्ठा का प्लॉट लिया हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर कर्मचारी महोदय आपसे पुराना लगान रसीद मांग कर रहा है तो वो जो है आपका दर केवाला का लगान रसीद मांग कर रहा है। मतलब कि आपने जिससे जमीन खरीदा है उसका लगान रसीद मांग कर रहा है, क्योंकि उनके जमाबंदी में कितना जमीन है वो शो करना चाहिए, इसलिए वो मांग कर रहा है। जब वो रसीद आप उन्हें देंगे तो उससे पता चल जाएगा कि कितना जमाबंदी, उनके जमाबंदी में कितना जमीन बचा हुआ है और दाखिल खारिज होगा तो कितना का होगा, इसलिए वो मांग कर रहे हैं। और उसे आप पेश करें तभी आपका दाखिल खारिज हो पाएगा, इसलिए मांगा जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए अलविदा।